Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Urban Boy. तो हो आज के वीडियो एक शॉर्ट राइड पे है, तो आप पीछे देख सकते हो ये मेरी बाइक है। तो अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और थोड़े आप एक हाईवे पे हूँ और वहाँ से जा रहा हूँ मैं हापुड़ का आगे। मे भी हो सकता है कि हापुड़ से उससे भी आगे जाऊँ। तो वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मौसम भी हो रहा है गाइस, बारिश का मौसम हो रहा है यार, बारिश होने लगी है बाहर निकला हूँ। तो भाई बाइक का कंडीशन कुछ ऐसा है, देख सकते हो। तो मैंने इसको वॉश कराया था यार, कितनी चमक रही है भाई। ये मेरा हेलमेट भाई, कमेंट करके बताओ भाई कि हेलमेट कैसा लग रहा है। ये इस ग्राफिक्स में मैंने लिया था एक्सोर का, और ये बाइक के कलर के साथ ये मैच भी कर रहा था, तो मैंने इसलिए लिया था ये हेलमेट को गाइस। सो अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो आए हूँ गाइस फ्यूल अप कराने। आप देख सकते हो कि इसमें एक पॉइंट रह गया अभी, इसको टैंक फुल कराते, देखते हैं कि कितने का पेट्रोल अभी इसमें आता है। पेट्रोल पंप पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पावर फुल कर दो, आराम से डालना, ध्यान से डालना, ठीक है, लगाना मत इधर उधर, डायरेक्ट इसमें डालना। तो बहुत ध्यान से डलाना पड़ता है यार, कहीं साइड में ये स्क्रैच वगैरह लग जाता है ना, दिक्कत लगता है, छेड़ लगता है। 102 रुपये लीटर है भाई पावर यहाँ पे, 97। सो गाइस अभी फ्यूल अप हो चुका है, अब यहाँ से अपन निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ हापुड़ के साइड। सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ हापुड़ वाले हाईवे पे। ये सिग्नल था, मैंने सिग्नल देखा नहीं है, सिग्नल से निकल गया हूँ। सिग्नल भाई वहाँ कसम पुलिस वाला रहा, फेल देगा पकड़ के। अब इस बाइक का नंबर प्लेट भी नहीं आया है, नंबर प्लेट आने में बहुत टाइम है यार, बोल रहा है अभी 10-15 दिन और टाइम लग सकता है। बता नहीं यार इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तो मैं तो आज लंबे राइड करने वाला था, बस जिस कारण नंबर प्लेट के कारण से मैं बस शॉर्ट राइड कर रहा हूँ अभी सिटी में। तो कोशिश करूँगा मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाऊँ। फिर से सिग्नल सिग्नल ही सिग्नल। सो अब देख सकते हो टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है, प्लस ऊपर का भी टेम्परेचर कम से कम तो 35 ऊपर ही होगा। और मेरा देखो कितने सारे गियर्स में पहन के रखा हूँ, जूते, ये अपना जैकेट और ये ग्लव्स, भाई साहब इसके अंदर तो मैं बॉयल हो चुका हूँ पूरा एकदम। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस, जब बाइक चलती है तो हवा लगता है तो सही लगता है, ऐसे तो गाड़ी जब रुकती है तो बहुत तेज़ गर्मी लगती है। सो जैसा कि आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है, अभी दिन के बज रहे हैं 1 के लगभग 1 बज रहा होगा अभी, और ट्रैफिक देखो भाई, ट्रैफिक प्लस गर्मी सर के ऊपर है भाई, तब भी मोटर ब्लॉगिंग करने का अलग ही मज़ा है भाई। ये जो है दिल्ली मेरठ हाईवे है, आप देख सकते हो पास पे मेट्रो को, मेट्रो का लाइन भी यार, अप्रॉक्स 2.3 किलोमीटर का ये हाईवे है। मेरे से तेज तो ये स्कूटी वाला चला रहा है, फ्यूल रेंज चेक करते हैं। फ्यूल रेंज अभी 213 किलोमीटर, मतलब अभी मैंने 12 लीटर पेट्रोल डाला है तो उसमें 213 किलोमीटर चलेगी भाई, मतलब 5 लीटर पेट्रोल पहले था इसमें। जो हीट निकल रहा है ना सीधे मेरे पैरों पर लग रहा है यार, और इतनी गर्म है ना वो, उसकी एग्जॉस्ट का जो थ्रो है एयर, भाई साहब बहुत तेज़ गर्म है। इवन के जूते पहना हुआ है तब भी मुझे इतना हीट लग रहा है ना पैर पर, वो भी मैंने जूते जो पहना वो हाई एंकल है, पता नहीं फिर भी कैसे हीट लग रहा है रेडिएटर फैन का। इस बाइक में बस एक क्रूज कंट्रोल होता है ना भाई, क्रूज कंट्रोल बस, तो समझो कि बहुत सही था यार, अपने को क्रूज कंट्रोल मिल गया होगा। तो कहा था कि बाइक जो आती है लीटर क्लास बाइक होती है 1000 cc की, उसमें क्रूज कंट्रोल है, बट अपने में G900 में नहीं है क्योंकि ये 1000 कैटेगरी के सेगमेंट में नहीं आती है। सो अभी फ़िलहाल मैं गाजियाबाद में ही हूँ और यहाँ से अभी हापुड़ के साइड में जा रहा हूँ अभी। तो बीच में कहीं रुकेंगे ढाबे पे, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, सो लंच वगैरह करके ही हापुड़ के साइड निकलेंगे। बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, जो नहीं चाहता था वही हो रहा है आज। और GoPro को बचाना पड़ेगा, GoPro वाटरप्रूफ नहीं है भाई, GoPro के प्रोडक्शन इज नेसेसरी।
मैं इसको बचाऊंगा, मैं इसको बिकने नहीं दूंगा। बारिश बहुत तेज होती है, गोप्रो को मैं रखता हूँ बैग में। ओके, गोप्रो को मैं रख देता हूँ बैग में भाई, नहीं तो फटका लग जाएगा 50,000 रुपये का। तो गाइस अभी मैं एक ब्रेक के लिए रुका हूँ, चाय वगैरह पीता हूँ, चाय पानी वगैरह, और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अच्छे से, और भूख भी लगी है, अभी सब लंच वगैरह करके निकलते हैं। तो फिलहाल मैं एक पानी का बोतल लिया, पहले अपनी प्यास बुझाया जाए। सो गाइस अभी आंटी जी स्पेशल चाय बना रही है हमारे लिए, शुगर फ्री वाली। तो अभी ये पतीला चढ़ चुका है गैस पे। ये क्या आंटी? मसाला है। अच्छा डालो, मैजिक मसाला। इलायची। इलायची है। अच्छा इलायची पाउडर है, चीनी मत डालिएगा, शुगर फ्री है हमारे पास। सो गाइस काफ़ी प्यारा सा ये छोटा सा ढाबा टाइप का है, यहाँ पे अभी पानी और चाय वगैरह पीते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये रही अपनी बाइक, खड़ी है भाई हाईवे के ऊपर, देख सकते हो। ये पुलिस वाला गाड़ी आ गया भाई। सो गाइस अभी अपना रिफ्रेशमेंट हो गया है, चाय वगैरह पी लिए हैं, अब यहाँ से आगे से यू टर्न लेते हैं। जब से मैंने मीडिया किट लगाया गोप्रो में, तब से गोप्रो ना चलते चलते हैंग हो जाता है यार, बहुत ही बेकार इशू है। कंपैटिबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा है यार इसमें मीडिया किट के साथ गोप्रो का। गाड़ी क्यों बंद हो रही है? ओह माय गॉड।